गरियाबंद जिले में सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्र घायल हो गए। मामला गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय का है, जहां स्कूल से वापस आ रहे 3 छात्र नजदीक के पेट्रोल पंप पर अपने वाहन में पेट्रोल डलवाकर मेन रोड की तरफ आ रहे थे। तभी अचानक सामने से एक स्कूली बच्चों से भरी वैन ने स्कूटी में सवार 3 स्कूली छात्रों को ठोकर मार दी, जिससे हादसे में 3 छात्र घायल हो गए। इनका इलाज फिंगेश्वर सरकारी अस्पताल में जारी है। वहीं 3 घायलों छात्रों में से 2 की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने उन्हें उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर किया है। 1 घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत छुट्टी दे दी गई थी। इस हादसे को लेकर हॉस्पिटल में अब अफरा तफरी मच गई है। 3 घायल छात्र शासकीय ठाकुर दलगंज उच्चतर माध्यमिक स्कूल के हैं। एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली ना, आरटीए केस था, देखे ठीक है, फिर से कंडीशन है, उनको एडवाइस किया गया है, एनजीसीटी है ना, उसका रिपोर्ट आता है, देखते हैं। आगे पेट्रोल टंकी में हम पेट्रोल डलवाने जा रहे थे, उसके बाद मतलब जस्ट पेट्रोल डलवा के आगे से आकर अपना किसी स्कूल जाना था, तो उधर जा रहे थे, उधर रोका मैं सामने गाड़ी, तो 2 हाने मारा, मतलब इधर टर्निंग होना, इधर फिर से वापस आना था मेरे को, 2 हाला मारा, मतलब स्कूल वाले आए, हाथ मारा मेरे गाड़ी आया और सिगरेट फूंक दिया हम लोग की एक्टी वाली। कितने लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।